हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ दो रंग की ये बहुत ही खूबसूरत लटकन घर पे बनाने जा रहे हैं। बचे हुए कपड़े से, बिल्कुल थोड़े से कपड़े से बन जाएगी। यहाँ पे मैंने दो रंग के पीसेस लिए हैं, तो पीस की जो लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 4x4 का, यानी कि 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, इस तरह आपने पीस लेने हैं। रेड कलर के और स्काई ब्लू कलर के दो रंग के लिए हैं मैंने। यहाँ पे हम इसको पहले इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इसे दो रंग में बनाइएगा। आपके सूट के साथ मैचिंग कोई भी कपड़ा लगाकर इसे बना लीजिए। और मार्केट में आपको कई बार ऐसा होता है कि लटकन मिलते नहीं है, तो आप अपने सूट के साथ इस तरह बनाएंगे और सूट की ग्रेस भी आ जाएगी और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये देखने में। इस तरह हमने सभी पीसीज को पहले इनके ट्रायंगल्स बना लेने हैं सभी के। यहाँ पे जो स्काई ब्लू है वो दो पीस लगेंगे एक लटकन में, और जो रेड वाले हैं वो तीन लगेंगे। यहाँ पे आपने दो लटकन के लिए पहले सारे त्रिकोण बनाकर ये जो ट्रायंगल्स हैं रख लेने हैं, उसके बाद फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो लीजिए, इस तरह हमने बना लिया है, इनको कट कर लिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक पीस लेते हैं पहले रेड वाला और उसके ऊपर ये स्काई ब्लू को रख लेते हैं। इस तरह इसके ऊपर रख के थोड़ा सा गैप रखते हुए दो पॉइंट का इसको नीचे की तरफ रखना है आपने और इसको सिल देना है। एक इसके ऊपर रख के सिल दिया है, अब दोबारा से कलर चेंज करेंगे। इस तरह इसके ऊपर अब दोबारा से रेड रखेंगे। गैप आपने सेम रखना है, जैसे ऊपर के हिस्से में गैप रखा है सेम वैसे ही गैप रखिएगा। अब दूसरे पीस को भी इस तरह रख के सिलेंगे। इसी तरह आपने 5 पीस लगा लेने हैं टोटल में, 2 स्काई ब्लू के 3 रेड के। लीजिए, इस तरह हमने इसको सिल लिया है। अब हम इसके ऊपर से फिनिशिंग देंगे, थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे ली है, अब हम डोरी लेते हैं। डोरी आप यहाँ पे अपने घर पे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे रेडीमेड डोरी लगा रही हूँ। बिल्कुल सेंटर में रखना है डोरी को और इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बाहर की तरफ लगानी है, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे। अगर आपने इसे बहुत अंदर की तरफ लगाया तो ये सीधा नहीं होगा, फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो आपने यहाँ पे एंड पॉइंट तक सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल बाहर की तरफ। और इसको अब हम कट कर देते हैं। एक बार सिलाई को डबल कर लेते हैं। सिलाई डबल करने के बाद इसे हम कट कर देंगे, बिल्कुल किनारे से कट कर देना है आपने। गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है कपड़े में, क्योंकि अगर आपने गैप छोड़ा तो सीधा करने में दिक्कत आएगी। इसको आपने ऊपर से भी कट कर देना है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। मैं आपको एक लटकन बनाकर दिखाऊंगी, दूसरा आप सेम इसी तरह बना लीजिएगा। इसे हम इस तरह पकड़ते हुए धीरे धीरे करके आपने सीधा करना है, क्योंकि ये कपड़े काफ़ी लेयर में आ गए हैं। तो आपने इसे इस तरह टर्न करते जाना है दोनों साइड से, और फिर ये इजीली सीधा हो जाएगा। इसको आपने पूरा बाहर निकाल लेना है। मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ, दूसरा सेम आप इसी तरह बना लीजिएगा। तो देखिए, ये लटकन हमारा सीधा हो गया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और आपको ये देखते ही पसंद ज़रूर आएगा। आप इसे बनाकर देखिएगा, बहुत ही इजीली ये बन जाता है और बिल्कुल थोड़े से कपड़े से ये रेडी हो जाता है। अगर आपको और भी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं सारे आपके पास आएँ। लीजिए, इस तरह मैंने दोनों लटकन बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर बने हैं ये, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।